नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल टेक वर्ल्ड। आज हम एक ऐसे बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन के बारे में डिटेल रिव्यू लेकर आए हैं जो कि बहुत सारे लोगों का बजट होता है 5,000 रुपये। जी हाँ, 5,000 रुपये में मार्केट में भी अवेलेबल है ये स्मार्टफोन, और 5,000 रुपये में अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से भी इसको खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है ये, मिल जाएगा आपको डिवाइस। और इस डिवाइस का अगर हम नाम की बात करें तो यह है आईकॉल K900, एक ऐसा डिवाइस जो बहुत सारे लोगों के बजट में आ जाता है और लोग गलती में इस डिवाइस को ख़रीद भी लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को सही नॉलेज नहीं होती है कि इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या 5,000 रुपये डाल के क्या सही में हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, क्या हमारी थोड़ी सी भी एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही खरा उतरेगा। तो आज डिटेल में आपको इसके बारे में बताएंगे कि किसको ये डिवाइस खरीदना सही रहेगा और किसके लिए नहीं रहेगा, क्या सही में खरीदना भी चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस डिवाइस को खरीदोगे और इसका सारा का सारा पैसा समझ लो कि आपने जला दिया। डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, हर चीज़ को मैं अच्छे से और बारीकी से आपको समझाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले डिवाइस जो है वो है आईकॉल K900। इकलौता ऐसा डिवाइस जिसमें हमको 4GB रैम देखने को मिल जाती है और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है जस्ट और जस्ट 5,000 रुपये के अंदर। चलिए, ये तो होगी एक अच्छी बात, क्योंकि फ़ोन को परफॉर्मेंस को अच्छे चलाने के लिए एक अच्छी रैम का होना और स्टोरेज का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर भी एक कमी है कि इसमें हमें इंटरनल स्टोरेज देखने को नहीं मिलती है। अब 5,000 रुपये में अगर हम बात करें कि फ़ोन में 4GB रैम है और 64GB इंटरनल स्टोरेज है तो ये डिवाइस चलेगा कैसे, आपको बताएंगे, सब अच्छे से बताएंगे और इस तरीके से बताएंगे ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। तो सबसे पहले हम बात करें इस फ़ोन की डिस्प्ले साइज़ की। 5.5 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मीडियम सा और छोटा, मतलब एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है अगर माना जाए तो। और क्योंकि इसमें आप गेमिंग तो कर नहीं सकते, इसलिए इस बड़ा स्क्रीन साइज़ होने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसकी डिस्प्ले में कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, मतलब अगर गिरेगा तो स्क्रीन टूटेगी, तो आपको इसको बचा के रखना पड़ेगा। नंबर एक, ये चीज़ आप ध्यान में रखें अगर आप इसको खरीद लेते हैं। खरीदना है या नहीं खरीदना है आगे बताएंगे। तो 5.5 इंचेस की डिस्प्ले जिसमें हमें कोई प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती है, इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो एक ऐसी अनजानी सी कंपनी का प्रोसेसर है, स्पीड्रम करके कुछ कंपनी है, स्पीड्रम करके कोई कंपनी है उसका कोई प्रोसेसर इसमें यूज़ किया गया है, जो उसका नाम लोग मतलब जानते तक नहीं है, मैं खुद तक नहीं जानता हूँ, सुना होगा लेकिन माइंड से स्किप हो गया होगा क्योंकि बहुत कम नाम इसका सुनने में आता है। तो एक ऐसा प्रोसेसर जिसके बारे में दुनिया लगभग जानती भी नहीं है, बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे। दूसरी बात करें कि डिस्प्ले में कोई प्रोटेक्शन इसमें है नहीं, तो आपको बहुत ही संभाल के चलाना पड़ेगा। तीसरी, स्टोरेज और रैम अच्छी है, मानता हूँ मैं इस बात को, लेकिन अब बात आती है कि इसके बैटरी बैकअप की। तो इसमें 2800 mAh की बैटरी, मतलब 2800 mAh की बैटरी, जहाँ पर आजकल के डिवाइसेस में 4000, 5000, 6000 mAh की बैटरीज आ रही हैं और इसमें 2800 mAh की बैटरी है। मैं समझ रहा हूँ 5000 प्राइस है तो इसमें बैटरी तो बड़ी नहीं मिल सकती, और इस बैटरी को चार्ज करने में टाइम लगता है 2 से 2.5 घंटे। अब बात करते हैं डिवाइस के परफॉर्मेंस की। देखिए, आप इसमें पबजी तो खेल ही नहीं सकते हो, अगर आप फ्री फायर खेल भी लेते हो तो चल जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगी, चल जाएगी, लेकिन फ़ोन फिर मान लीजिए कि 6-7 मंथ से ज़्यादा नहीं चलेगा, 6-7 महीने चलेगा, उसके बाद फ़ोन में लैग इशू, फ़ोन हीट होना और हो सकता है कि बैटरी भी ख़राब हो जाए, तो आप इसमें फ्री फायर भी नहीं खेल पाओगे। अगर खेलते हो तो फ़ोन 1 साल से ऊपर नहीं चलने वाला है। तो ये फ़ोन है किसके लिए? ये फ़ोन अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए, अगर उनको कोई फ़ोन देना है तो ये फ़ोन दे सकते हैं, बट बच्चे को एक चीज़ आपको निगरानी रखनी होगी बच्चे के ऊपर कि बच्चे इस फ़ोन में गेम ना खेले, क्योंकि अगर वो गेम खेलेगा तो इसका बैटरी बैकअप बिल्कुल भी नहीं है। इसका बैटरी बैकअप की अगर हम बात करें कि जस्ट एक कॉल उठाना, सुनना, फालतू के ऐप्स अगर डाउनलोड नहीं करते हैं तो जो बैकग्राउंड में ऐप्स रन करते हैं और बैटरी कंज्यूम करते हैं वो नहीं होगी। आपकी बैटरी कहाँ कंज्यूम होगी? सिर्फ कॉल सुनने में और करने में। तो अगर आप बच्चे को ये डिवाइस देना चाहते हैं और वो जस्ट कॉल सुनने या करने तक ही सीमित हो, मतलब अगर आपका बच्चा कहीं बाहर पढ़ने जाता हो या आपको चाहिए कि बच्चा हमारा कहीं रह रहा है तो हम उसको ये डिवाइस दें, तो एक चीज़ हो जाएगी कि बच्चा इसमें गेम भी नहीं खेल पाएगा, बच्चा इसमें फालतू चीज़ें डाउनलोड भी नहीं कर पाएगा क्योंकि स्टोरेज ज़्यादा नहीं है, और बच्चा सिर्फ कॉल करने के लिए और सुनने के लिए इसको यूज़ कर पाएगा। बाकी अगर वो इसमें कुछ चीज़ें डालता है तो लाइक करेगा तो वो खुद से इसमें चीज़ें नहीं भरेगा। तो ये बच्चे के लिए था कि मतलब अगर आप बच्चे के लिए लेके देना चाहें तो बच्चों की चीज़ समझा देनी है कि इसमें गेम बिल्कुल नहीं खेलनी है, जस्ट फ़ोन सुनने और उठाने के लिए दिया है, थोड़ा बहुत अगर तुझे वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पे देख ले, फालतू के ऐप डाउनलोड नहीं करने हैं। तो ये फ़ोन हमको निकाल के दे देगा 10 से 12 घंटे, बिल्कुल नॉर्मल यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, कोई ऐप रन नहीं करना है, ना ऐप, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ना कोई अदर जिसमें शॉर्ट्स वीडियोज़ आती हों, वैसा कोई भी ऐप रन नहीं करना है। हाँ, यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स देख सकते हो, यूट्यूब इनबिल्ट रहता है। तो बच्चे को आप ये डिवाइस दे सकते हो, लेकिन बच्चे को कुछ शर्तें आपको बतानी पड़ेंगी कि डिवाइस को संभाल के रखना है, इसमें गेमिंग नहीं करनी है, फालतू के ऐप्स इंस्टॉल नहीं करने हैं और फ़ोन को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसकी बैटरी बहुत जल्दी ख़राब होगी अगर ये ज़्यादा यूज़ होगा तो। और अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों का बजट होता है ये, और इससे ज़्यादा बजट बढ़ाने में लोगों को कई बार दिक्कत आती है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, हो सकता है कि आपको ये डिवाइस
अपने बजट के अनुसार सही लगे। बट अगर आप 5,000 पे खर्च कर देते हैं और 6 महीने के अंदर ये डिवाइस ख़राब हो जाता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितना बुरा लगेगा। तो कम से कम 1-2 हज़ार या 3,000 पे एक्स्ट्रा डालिए, और उस प्राइस में मैं आपके लिए एक बढ़िया स्मार्टफोन बताऊंगा कि कौन सा सही रहेगा, जो तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और अच्छे तरीके से चलेगा भी, इसमें आप सब चीज़ चला भी पाओगे। हमारे चैनल पे इसी रिलेटेड तो वीडियोस बनाई जाती हैं, हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे किसी की भी, हमारे सामने जो सच रहेगा वही हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ में अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आप 10 से 100 रुपये तक का प्राइज़ भी जीत सकते हैं। आपको बस जो कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं वो स्टेप्स आप फॉलो कर लेंगे तो आप हर वीडियो पर 10 से 100 रुपये तक का कैश प्राइज़ जीत सकते हो, और अगर व्यूज़ बढ़ गए तो हो सकता है कि कैश प्राइज़ भी बढ़ जाए। तो अब आपके ऊपर है कि आपको ये डिवाइस लेना है कि नहीं लेना है। मेरी मानो तो मैं बैटरी और चार्जिंग की वजह से इस फ़ोन से काफ़ी निराश हुआ हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आप 5,000 रुपये अपने बर्बाद करें। अगर बच्चे को देना चाहें तो दे सकते हैं खरीद के, वो जस्ट कॉल करने के लिए या कॉल उठाने के लिए यूज़ किया जा सकता है ये डिवाइस, और बच्चे के लिए कहने के लिए भी होगा कि हाँ मेरे पास भी स्मार्टफोन है, बट अंदर से जस्ट इसमें कॉल वगैरह ही चल सकेंगी। बाकी थोड़ा वो तो ये यूट्यूब पर अपने काम की चीज़ें, पढ़ाई रिलेटेड चीज़ें देख पाएगा, बाकी ज़्यादा चीज़ें फ़ोन में नहीं कर पाएगा। 4G इसमें चलता है, दोनों सिम्स में चलता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो और इसमें बॉक्स में हमें देखने को मिलता है, एक डिवाइस देखने को मिल जाता है, एक रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलती है, बैटरी अटैच नहीं होती है, अलग बैटरी मिलती है आपको डाल के आपको कवर लगाना होता है, और चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि ये माइक्रो चार्जर, यहाँ पे टाइप सी चार्जर नहीं मिलेगा आपको 5,000 रुपये के अंदर। तो ये थी इस डिवाइस की जानकारी, बच्चे के लिए आप लेके दे सकते हो बट मेरी शर्तों के अनुसार, बाकी कोई भी इस डिवाइस को ना खरीदे। या फिर आप, क्योंकि माता पिता जो लेते हैं तो ये उनका बजट रहता है, तो थोड़ा सा बाहर काम करते हैं और ऐसी रफ जगह पे काम करते हैं जहाँ पे फ़ोन गिरने की संभावना होती है, और वहाँ पे इस फ़ोन के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और धूल मिट्टी जाने से भी ये ख़राब हो सकता है। तो मैं वहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ बच्चों के लिए सजेस्ट करूँगा। बाकी मैं वीडियोज़ ला रहा हूँ, अगर 6-7 हज़ार या 6,000 में मुझे अच्छा डिवाइस मिलेगा मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, बहुत काम आएगा आपका ये चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।